good afternoon friends another important topic which is being recommended by gst council in their 43rd gst council meeting held on 20th may 2021 the question which we all were asking whether we need to file gstr 9 annual return GSTR 9C which is reconciliation statement duly audited by practicing chartered accountant or cost accountant for financial year 2020-21. In the light of that GSTR 9C reconciliation statement is being omitted as per Finance Act 2021. It is yet to be notified. So, what is being now recommended by GST Council that this GST audit reconciliation statement (GSTR 9C) going to be omitted from a date to be notified. It is going to be applicable for 2021 financial year 2021 what is being stated gstr 9 and 9a nine a 9A for composition dealer for 2021 going to be optional for taxpayer having aggregate turnover up to 2 crore rupees optional second if Taxpayer having aggregate turnover in between 2 crore to 5 crore, GSTR 9 is compulsory. If taxpayer having aggregate turnover exceeding 5 crore in 2021, then GSTR 9C is required, reconciliation statement is required, but relaxation. इट शुड बी सेल्फ सर्टिफाइड एज अगेंस्ट सर्टिफाइड बाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट रिलैक्सेश ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए आपको और हमको बता दिया गया नाइन और नाइन सी कैसे एप्लीकेबल होगा पर मेरा अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है this gstr 9 and 9c is being uh, prepared from gstr 1 gstr 2a and 2b and uh, 2a 2b i say it because 2b it's coming out from july 2020 right now having said that gstr 3b so 1 2a and GSTR 3B and 2B came sometime in August 2020. Now, please tell me we are picking up the figures from these returns only and it is self-prepared by the taxpayer. And if it is self-certified then where is essence of maker and checker? सी मैंने ऑडिट में एक चीज देखी है एक बंदा प्रिपेयर करता है और एक बंदा चेक करता है जिसने बनाया आपने उससे ही कह दिया तू तो ही साइन कर दे सेल्फ सर्टिफाइड तो क्या गलतियां पकड़ाई आएंगी पहली बात ये जीएसटी या नाइन सी सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट यह रखा गया था इसके पीछे एक थीम था कि एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा कॉस्ट अकाउंटेंट होगा जो चेक करेगा वेरीफाई करेगा सिर्फ यही थोड़ी चेक करना है कि वन से फिगर यहां नाइन और नाइन सी में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ टू ए से क्रेडिट मेरी या टू बी से क्रेडिट मेरी थ्री बी में कैप्चर हुई या नहीं हुई कई बार हमें टैक्सेबिलिटी पे डिसाइड करना पड़ता है क्लासिफिकेशन पे डिसाइड करना पड़ता है रेट पे डिसाइड करना पड़ता है वैल्यूएशन पे डिसाइड करना पड़ता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिसाइड करना पड़ता है वो एसेंस कहा गया अगर मेकर ने ही सेल्फ सर्टिफाइड करना है तो जो उसने बनाया सब सही है सी वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड आईसीआई हैज सबमिटेड द रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट

मैंने आपको बताया ही चेक द टैक्सेबिलिटी क्लासिफिकेशन रेट इनपुट टैक्स क्रेडिट वैल्यूएशन प्लेस ऑफ सप्लाई लॉट मेनी थिंग्स वेन इट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन फिर मेरे माइंड में यह क्वेश्चन आता है जरूरत क्या है आपके पास तो वन भी है टू ए टू बी जिसको आप कहते हैं वो भी है और थ्री बी भी है आप सारा डेटा कैप्चर कर सकते हैं इट नीड नॉट हैव रिक्वायर्ड एट ऑल ठीक है दिस इज हाउ द थिंग्स इज कमिंग आउट माय ओनली हम्बल सीशन अर्लियर नाइन सी ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट वाज हैविंग सम मीनिंग कुछ लोग कहेंगे कि हमारी एडिशनल फीस लगती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देने में कॉस्ट अकाउंटेंट को देने में मैं आपसे कहता हूं मेकर और चेकर एक कॉन्सेप्ट है जो रहेगा ऑलवेज रहेगा जो बनाता है वो कई बार अपनी गलती नहीं पकड़ पाता चेकर पकड़ता है चेकर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो डेटा को अपने पर्सपेक्टिव में चेक करता है तभी गलतियां पकड़ाई जाती हैं और फिर मैंने कहा इतने एस्पेक्ट होते हैं जिसमें हो सकता है टैक्स पे से गलती हो गई हो एक लास्ट मौका मिलता था नाइन और नाइन सी के टाइम पे उनको ठीक करने का अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे करने का बट अगर ये प्रोसेस हट गया तो तीन साल के बाद जब आपके यहां ऑडिट आएगी डिपार्टमेंट आएगा वो आपके सारे लकुना जो आपने कर दिए थे गलती हो गई थी आपसे आप देख भी नहीं पाए तो एक जो प्रिवेंटिव आपके पास प्रवेंटिव हम मेरे कहने का मतलब है जब आप नाइन और नाइन सी भरते हैं तो जो एक प्रिवेंटिव था जो इंडिपेंडेंट चार्ट अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट आपको हाईलाइट करते थे वो मौका गया अब ऑडिट के टाइम पे सारी चीजें खुलेंगी तब तक पीरियड भी आपका एक्सटेंडेड हो चुका होगा इंटरेस्ट का मीटर भी आपका लंबा खिंच चुका होगा और कोई करेक्शन अगर होना है तो वो लंबे लॉन्ग पीरियड के लिए जा चुका होगा नाइन नाइन सी नाइन सी बाई चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से फायदा यह होता था कि हमारी गलतियां हमें मालूम पड़ जाती थी और हम सब्सिक्वेंट पीरियड में करेक्ट कर लेते थे सो इट वॉज प्रिवेंटिव करेक्टिव दोनों था बट ना इन अ गिवन सिचुएशन वेन इट इज गोइंग अवे मेरा ओनली पॉइंट सेल्फ सर्टिफिकेशन से आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं But क्या उससे एडवांटेज टैक्सपेयर को अपनी बुक्स को अपने जीएसटी बुक्स को ठीक करने के काम आ पाएगा माई हबल समीशन मैंने अपनी बात आपके सामने रखी आपके भी व्यूज हो सकते हैं पर मुझे जो लगा मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर किया थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून थैंक यू वेरी मच